आईओएस का अपडेट, iPhone iOS है अपडेट आईफोन का आईओएस का 18 आईओएस 18 अपडेट आया ठीक है मैंने अपने दोनों फोन लगाए अपडेट के लिए मैंने कहा अपडेट हो जाए ओके घंटा लगा फोन वो ये वो मैंने कहा यार अपडेट हो गया ट्राई करूंगा अपडेट हाँ। मैंने फोन अपनी पिछली जेब में डाला मैंने गाड़ी घर से निकाली गाड़ी घर से निकाली हां मैं गाड़ी से निकला गेट बंद करने के लिए हां क्योंकि मुस्तफा और छीना की तरह ऐसा तो नहीं है ना कि कोई गेट बंद करे आपके लिए आप खुद तो निकले गाड़ी खुद तो निकला गेट बंद। ओहो मैं गाड़ी से निकला हूँ गेट बंद करने के लिए मैं भूल गया मेरी पिछली पॉकेट में फोन है मेरा ख्याल था आईओएस रिलेटेड कोई अपडेट मैंने कहा ना तो बैक पॉकेट में वैसे भी फोन नहीं रखना चाहिए अरे यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कवर चढ़ाए उसके ऊपर फोन के ऊपर आपको पता है मैंने इस, इस वाले फोन का ये कौन सा वाला है ये वो 12 प्रो है मेरा पुराना है ना हाँ। पुराना नहीं है 12 प्रो इतना पुराना तो नहीं है हाँ। लेकिन इसका मैंने बहुत अरसे से कवर हटाया हुआ था और फिर ये बहुत बार गिरा आपने ये ये आज जब ये गिरा तो ये यूं गिरा सड़क के ऊपर पटाख ओ, ओ, आवाज आई मुझे मैंने कहा बच गया होगा हमेशा कितना ओ, ओ, मैंने यूं देखा तो ये ये देखें ये हालत हो गई फोन की इसलिए अपने फोन का ख्याल रखें उसके ऊपर प्रोटेक्टर चढ़ाए कवर चढ़ा के रखें ऐसे मत रखें लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है क्या अब ये है

और फिर हसन ने कहा कि हे से तो मेरा नाम भी होता है तो ये इंटरव्यू तो मैं करने जा रहा हूँ मैंने कहा ठीक है मैंने कहा हसन आप कर लें बिल्कुल हमारा रिव्यू पाँच साढ़े पाँच होता है आप दोपहर तो को कर लें नहीं हसन ने कहा नहीं दोपहर तो को नहीं करूँगा ठीक कर, है ठीक है मैं कहा हसन हम हम रिव्यू जल्दी कर लेते हैं हसन ने कहा नहीं अब तो मगरब हो जाती है इतने बजे तो उसके बाद हम इशा के बाद करते हैं रिव्यू मैंने कहा यार इतना देर ना करें थोड़ा सा शाम कर लें आप जल्दी फारग हो जाएंगे रात को आई नो आपकी फैमिली इंगेजमेंट्स भी होती हैं फैमिली भी है आपकी तो हसन ने कहा नहीं ऐसा करते हैं कि मगरब मैं पढ़ लूँगा उसके बाद रिव्यू करते हैं अच्छा अब रिव्यू शुरू हुआ रिव्यू शुरू हुआ हसन आराम से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं जनरली हसन को जल्दी होती है रिव्यू शुरू हुआ होते 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 मैं देख रही हूँ कि हसन कोशिश कर रहे हैं कि जरा और देर लगे ज़रा और लेट हो जाए आखिर में पता नहीं को बारह बजे हसन गए इंटरव्यू करने और फिर मैंने वो रील देखी है मैं चाहूँगी या हमारे एडिटर्स जो हैं वो रील जरा चलाएं जिसमें हसन का एक्सप्रेशन देखने वाला है कि और जब वो कहती हैं नटाशा के और तुम भी मेरे और फिर हसन कहते हैं कि लेट्स गो मेरा हमटी टमटी भी मेरा और तुम्हारा हॉटी भी मेरा ओह हेलो व्हाट अबाउट मी और तुम भी सिर्फ मेरे <laughs> ये क्या था प्यारे हसन पहले तो क्लैरिफाई करें कि जो आपने सब बातें बोली वो झूठ है नहीं, वो नहीं। लोग सच समझेंगे नहीं नहीं वो झूठ झूठ है है <laughs> तो पहले ये ये बात मैं क्यों, मैं क्यों क्यों झूठी बनूं सब इसमें कोई हकीकत नहीं है मैंने नहीं नहीं बोला था जल्दी वार... करें जल्दी करें ताकि मैं जल्दी फारिग हूं इन्होंने कहा नहीं मेरे पॉडकास्ट जो सीरीज कर रही है जिसके बारे में इन्होंने बताया कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मैं कर ही नहीं सकती देर से करो मैंने कहा जल्दी करें भाई नहीं देर से करो देर से करो मैंने कहा अच्छा ठीक मैंने आपको कहा था दो बजे कर ले आप रिव्यू ताकि जल्दी मैं इसको इंटरव्यू को हाय मैं सदके हसन चौधरी कह ही ना दें कि दो बजे फिर रिव्यू है घसीटे जा रही है मैंने कहा यार वो इंटरव्यू है मेरा भाई सवा आठ बजे है सवा आठ बजे का टाइम था है और आपके तो। इस इस ज, रात के दस बजे थे और इस अल्लाह की कसम जो देखे शायद बोल जोर से तेरी आवाज आ जाएगी क्या टाइम था ऊंचा बोल सुबह के सवार सुबह के नहीं सवार रात शाम के सवार नहीं और मैंने कहूँ कि यार इतना आपने इतनी फसूरी डाली कि मेरा इतना एक एक इतना पॉइंट था जो के आखिरी रिव्यू में वो मेरा रह गया कौन सा इंटर जनरेशनल ट्रामा पे और मैंने लिखा हुआ भी हुआ था अभी आप कह रही है की मैंने कहा आराम से करे रिव्यू अभी आप कह रही है फिर जब बारह बजे तो आपने कहा रैपअप करें रैपअप करें वो पहुंच गई है मेरे बारे में तो आप जो कह रही हैं आप अरीज के बारे में बड़ी गलत बात कर रही हैं क्या ये जो आप बात उन्होंने तो वही कहा कहा जो आपने उनको लाइनें दी उन्होंने मैं आपको कहूँगा आप रील बनाते हैं को अब आप फैसला कर क्या था फिर रील थी या क्या था या क्या नहीं था रीलैश डे रॉन्डे मैं रीच का बड़ा शुक्रगुजार गुजार हूँ एक तो ये कि हमने उनको जब रीच आउट किया तो

Uh, Miss Pakistan World के साथ वो हैं जो uh, जिसके पास हैं क्यों, क्यों क्यों कर रही है, <laughs> yes. तो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है इट्स गुड तो, तो ड्रामे में अब ये उनका दस बारह ड्रामो में ऑलरेडी वो काम कर चुकी अच्छा, है हाँ, ये तो पता है। हाँ, तो अभी इंटरेस्टिंग था उनसे मिलना और चार्ज हमारी कितने बजे खत्म हो गया इंटरव्यू नौ साढ़े नौ, नौ, नौ हमारा तो मैंने क्या कहा है बस तो मैंने कहा कर दूं इससे पहले कि तो हमारी हमारी ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बड़ी गलत बात है तो कुछ नहीं कहा तो अब ठीक है लेकिन आई होप कि आपने इंटरव्यू पसंद किया

दूसरी चीजों ने पॉइंट आउट किया और बिल्कुल और हम मेरे थी लेकिन हमने बात नहीं की है इसपे की ड्रामे की पहली अपीसोड सफीना के बर्थडे से शुरू हुई थी सफीना और नूरजा की तो एंड में भी सफीना की बर्थडे का आज का दिन होना मेन्शन होना चाहिए तो लाइक आई सेड इट दे वर वर रश्ड रश्ड आई आई फेल्ट कि आउट ऑफ ऑल द द द परफेक्शन ओनली क्रिटिक हैड लास्ट से मनजोगी को लेके बहुत से लोगों ने कमेंट किए बहुत से लोगों ने मेरे साथ एग्री किया बहुत से लोगों ने मुझ पर फतवे भी जारी किए कि आपको कुछ नहीं पता मज़हब का तो आप मत बोला करें मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सब कुछ पता है मज़हब का मैंने आपको सिर्फ ये कि मैं जिस फ़िके से ताल्लुक़ रखती हूँ और जो बिलीफ से ताल्लुक़ रखती हूँ स्कूल ऑफ बिलीफ से उसमें ट्रिपल तलाक नहीं आ, है जो लोग रखते हैं वो बिल्कुल ठीक है और ड्रामे में ऑब्वियसली है ट्रिपल तलाक तो बस ठीक है बॉटम लाइन लंबी बात हो जाएगी लंबी बात हो जाएगी इस चीज़ पे आ, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे आप लोगों को पता मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा हूँ नहीं या ना करें तो आपको जो रेड वेडिंग वाली एपिसोड यार है? एक हाँ। यार कुछ लोग हैं जो हर रिव्यू के बाद कमेंट करते हैं प्लीज लिंक शेयर कर कर सकता। आप कर कर दें आप रहे हैं मैं नहीं कर सकता क्यो? कर सकता क्यों अगर तो तुम्हें तो तो बताया ना क्यों नहीं कर सकते <laughs> मैं सोचे क्यों नहीं शेयर कर सकता अच्छा कोई प्राइवेट लिंक टाइप प्राइवेट लिंक टाइप प्राइवेट लिंक, लिंक नहीं देखे एक तो ये है कि जब आप इस तरह स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो ये इलीगल है करना सो so, इलीगल कामों को नहीं करना चाहिए नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो ये सर्वर्स होते हैं फिर आप जब उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ना शुरू कर जाता है अगर बहुत सारे लोग उस पर देखना शुरू करें तो वो वेबसाइट बैठ भी सकती है सर्वर्स भी बैठ तो आप अपना एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाह रहे इसलिए आप शेयर नहीं कर रहे नहीं ये बात नहीं है क्योंकि देखे किसी ने मुझे शेयर किया है इन वो अब उनका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा ना अगर मैं उनके दो लोग मांग रहे हैं

तो three, तो तो सीजन की जब हम सब ने देखी थी तब भी उसका बहुत था। था hmm. था दूसरी बार मैं देख रहा था और मुझे पता था क्या होना है। येट इट वेरी अच्छा आगे। आगे। मेरे साथ लिंक तो शेयर कर देंगे ना? आपके साथ तो शुक्रिया।, साथ, शुक्रिया, साथ, you, शुक्रिया साथ <laughs> क्यों नहीं करूंगा मुझे बहुत उसका बात इसलिए कर रहा हूँ आप क्योंकि देख चुके हैं गेम्स में बहुत तो तो सारे लोग देखते हैं hmm. really like. yeah. yeah, yeah. right? yeah. की गर्दन उड़ा दी ठीक है एक बहन उसकी लापता है माँ उसकी मर चुकी है माँ माँ तो साथ ही ना उसकेटल उसके साथ के साथ तो एक बहन उसकी लापता है एक बहन उसकी वहां पे जोफरी के चुंगल में है जो उसको किसी भी तरह से अब्यूज क्या, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ दोनों भाई उसके लापता है उसको नहीं पता उसके भाई क्या है नहीं। और खबरें ये आनी कि तुम्हारे भाइयों को जिंदा जला दिया रॉब स्टार क्या करता है शादी अच्छा पहले मैं मुझे नहीं था रियलाइज इस बार आई वाज लाइक व्हाट द हेल ही इज लाइक इन तो क्या करे है क्या करे यार इंसान का बच्चा बने क्या करे? के या अपने भाइयों को ढूंढे या उनको वो बदला ले या बहनों को बचाए या कुछ वो करे? वो सब कुछ साथ साथ चलता है ना पेगन वर्ल्ड में शादी कर रहा है वहाँ पे इज रंगरलिया बना रहा है रंगरलिया खुले बनाई जा रहा है अच्छा तुम यहाँ बैठ आपको प्रॉब्लम क्या है उसकी रंगरलिया बनाने से या उसकी शादी प्रॉब्लम ये है कह रहा है की तुम यहाँ पे बैठी हुई हो तो मैं काम पे फोकस कैसे करूँ मैंने कहा भाई तेरा तो वैसे भी दिमाग चलना चाहिए तेरी दो बहने बेचारी कहाँ है दो भाई कह रहे मर गए तेरे बाप की गर्दन काट दी तू यहाँ पे कह रहे उफ, तुम कितनी ना, ना इससे साबित होता है कबूल था तो हमें कबूल था बहुत और... ही रेड फ्लैग था रॉब ना सीरीज तीसरे सीजन के एंड तक आपको ये अंदाजा हो जाता है की जो आ रहा है ना उसने हर बंदे को उड़ा देना है जो बंदा आपको कैरेक्टर पसंद है ना उसे मरना है

आप लोग देख रहे हैं हम गप्पे मार रहे हैं इधर उधर की वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ड्रामे कुछ खास नहीं है रिव्यू करने के लिए नूर जहाँ का रिव्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं वरना वो हम इस हमारे वाले रिव्यू में चलाते हैं और आज हमारे पास ये तमाशा की दो किस्तें हमारे पास है जेंटलमैन की एक किस्त पच्चीसवीं किस्त जी और हमारे पास दर्द पत्तों का बंद की एक किस्त है इशकुआ हम इसलिए नहीं चला रहे, रहे क्योंकि तो कभी कभी नए ड्रामे आ रहे आ, से शुरू हो जाएगा अगले बुध से जी दुनिया को रिप्लेस कर रहा है तो वो हम उस पर फैसला करेंगे ठीक है देखना या नहीं देखना सुन मेरे दिल शुरू होने वाला है So, नए ड्रामे भी वाले हैं, तो उस हिसाब से बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा कौन सा ड्रामा हम कब रिव्यू करेंगे बिल्कुल ठीक है। और कुछ आपना आप कहना चाहेंगे इंट्रो में हम चले ड्रामो के रिव्यूज की तरफ। चले खीन जरा आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप uh, से शुरू 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 कर ले। कर ले कर लें 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 फिर फिर तो ड्रामे हमारे पास जी हीरो हमारा कातिल बन जाता है बिल आखिर कहते हैं पहला मर्डर मैंने कर दिया और उसके बाद जाके वो कहता है कि तो मुझसे शादी फिर भी कर लो पूरे प्रोग्रेशन ऑफ द एपिसोड मेरे पास कहने को कुछ खास नहीं है कहने को कुछ खास क्यों नहीं आपके पास मेरे पास कहने को खास नहीं कि जब मैंने एपिसोड देखनी शुरू की तो फिर मैंने सब पहला सवाल जो मैंने आपसे भी पूछा कि वाई आर दीज टू चिक्स हैंगिंग आउट मतलब है कि ये कब से बेस्ट चीज़ हो गई दो आई एम ऑल फॉर द सिस्टरहुड मगर ये कब से दो जो हैं वो बेस्ट चीज़ हो गई कि देर लिटरली नाउ हैंगिंग आउट ओवर अ कप ऑफ टी और डिस्कस कर रही हैं कि you know, ये हो गया वो हो गया दिल भर मर गया और चाय पी लो और तुम्हारा निकाह और लड़की का निकाह और मुन्ना पहला मर्डर कर दिया वो सारा सीक्वेंस अच्छा मैंने ये सोचा कि पहले सीन में अब वो बैठी हुई हैं दोनों लड़कियां और मुन्ना की कॉल आती है जरनाप को और वो जरनाप को बताता है कि मैं, मैंने वाज जरनाप कहती है कि जिस दिन आज हमारा निकाह होना था उस दिन मुन्ना ने अपना पहला कत्ल कर दिया पहला मर्डर कर दिया अब राइट फ्रॉम दैट मोमेंट बिकॉज़ एक बड़ा उसके चेहरे के ऊपर एक टेलिंग किस्म का एक्सप्रेशन होता है कि ये यू नो बिग डील है तो मुझे लगा कि ठीक है We'll तो तो। तो yeah, तो exactly रियक्ट किया सब कुछ किया अब ठीक है की मोजम एक बुरा आदमी था मोजम ने मुन्ना के ऊपर गोलियां भी चलाई है और मोहजम ने रेहमति को सॉरी दिल भर को मारा हुआ बात यह नहीं हो रही कि मोजम कैसा था बात यह हो रही है कि मुन्ना अब एक, एक मर्डर ने अब मारा अगर एक शख्स को वो चाहे में मारा या किसी को भी मारा, मारना एक बहुत बड़ी डिफेंस तो में नहीं मारा उसने कहा गोलियां मारी थी तो तब भी नहीं मारा तब भी नहीं मारा एग्जैक्टली अब मुन्ना ने रिवेंज में एक बंदे को मार दिया एंड ही कम्स एंड आस्क सर

बैरियर नहीं रहा उसके बीच में ऐसा ही लग रहा है ना दो अब इसमें बातें निकलती ना पहली बात तो ये कि मुन्ना ने जो मारा मौजम को क्या वो सही था या गलत था नहीं यार गलत था यार आप यू टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स राइट आप रॉबिनुड फिर नोमना तो नहीं यहाँ लगा सकते ना रॉबिन हुड तो चलो चोरी करके गरीबों को खिलाता था यहाँ आपने कत्ल किया है यू कान टेक अगर हर बंदा अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेना शुरू कर देगा तो, तो उसकी प्रेमेसी ही है ना कि जंगल का कानून है नहीं ना तो फिर आप जंगली बन गए ना फिर आप जेंटलमैन तो ना रहे फिर आप जंगली बन गए मगर मैं ये मैं सोचूंगी आई वुड लाइक टू थिंक दैट समबडी लाइक जनाब हु इज सो राइटियस एंड सो असूल पसंद एंड सो so सही और गलत में रखने वाली वो कहती कि बना तुम तुमने गलत किया है दैट इज की समबडी लाइक जनाब या सो इट्स ऑल अबाउट द द द वे दैट जनाब वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस जिस तरह से बट शी इज नॉट बीन दैट जनाब फॉर सेवरल एपिसोड्स नाउ अगर यही इश्क हुआ कि वो होती कोमल का जो किरदार नहीं जो दूसरी है रुखसार तो मैं कहती हाँ ये इसको तो नहीं फर्क पड़ेगा कि उसने मारा है नहीं मारा वो कहेगी मेरे से शादी कर लो बस तुम मगर जनाब वो इंसान नहीं है जिसको आप कहें कि वो मुन्ने के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि उसको सही और गलत का तमीज़ नहीं रही लग ही रहा है शुरू शुरू में जनाब मुन्ना से भी ऑफेंडेड थी क्योंकि हाँ, वो गुंडा था या जो भी था अब तो उसने कत्ल कर लिया प्रॉपर जब वो उसको चमाट मारती है मुन्ना को पहली बार इसी मोजम को ही मारने लगता है और वो चमाट मारती मारती वर्क कर रहे हो कि तुम जबकि उसने गोली उसको मारी भी नहीं होती उस बार तो उसने हवा, वो, हवाई एक तरह से फायर किया होता है अब उसने मोजम को मार दिया और कह रहा है कि मैं रेमती को भी मारूंगा तो ठीक है दिस आई अंडरस्टैंड कि अगर एक नजरिए से देखा जाए कि जी वो बुराई को खत्म कर रहा है और रॉबिन हुड वो सारी चीज है बट अगेन वी वर टू वुड से तुमने मार दिया है अब तुम खुद को कानून के हवाले करो सजा काट के आओ उसके बाद देखेंगे इतनी बाय द बुक तो थी ना वो इतना तो वो लॉ को फॉलो करने वाली yeah, थी ना yeah. तो वो क्यों अब जंगल के कानून का हिस्सा बन गई है इसके प्यार में

अच्छा इंसान और वो ठीक है अब मुन्ना ने कत्ल कर लिया अगेन नॉट गोइंग द ऑफ इट कि किसको मारा क्या किया जो भी क्या भूल जाए उसको एक से एक सेकेंड के लिए देखेंगे यार उसने एक ऐसे शख्स को कत्ल किया कि जो कि खुद एक कातिल था और बुरा इंसान था लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मुन्ना को कभी भी मारा जा सकता है यही है ना मुन्ना कभी भी मुन्ना पे अटैक हो सकता है हाउ इज वकार साहब नाउ ओके विद हिज डॉटर मैरिंग अ गाय हु जिसके कल सुबह का आने का पता ही नहीं है मगर वो तो मुन्ना के उसको मौजम को मारने से पहले भी नहीं पता था उसके लाइफ का उसको तो पहले भी था कि मैं तो कभी भी मुझे कोई मार सकता है तो देन हाँ वकार मैं तो ये तीन किस्सों से ये कह रही हूँ हाँ निकाह जब उसने पहली दफा कहा था कि मैं निकाह कर लूँ आपकी इजाजत उसने कहा हां मुझे तो तभी नहीं समझ आया था

रहमती इज द वन जिसने मौजम को कहा कि ऑर्डर किया हाथ था कि हाथ काट दो रुक दो तो रहमती ने जब मौजम को ये ऑर्डर दिया था कि दिलबर को मार दो तो रहमती ने क्या सोचा था क्या, क्या सोचा था मुन्ना क्या करेगा इस बात का कौन जवाब देगा जब वो डर उस... जाएगा हाँ रहमती का ख्याल था मुन्ना डर जाएगा मतलब हम जो ड्रामा दे तो हम तो चौबीस हफ्तों से मुन्ना को जानते हैं ने तो पाला है पाला मुन्ना है लेकिन रेहमती को तो आपने और रेहमती तब भी मुन्ना से डर रहा था भाई रेहमती को तो आपने बफून बना दिया ना जो बफून जब, जब, जब रेहमती के पैर में गोली लगी है तो रेहमती मुन्ना से डर रहा था पता नहीं डर रहा था कि नहीं डर रहा था डर रहा था मुझे मुन्ना, तू, तू तो मुन्ना।, मुन्ना, बच, मुन्ना बचा है हमले से तब से रहमति डर रहा था मुन्ना से रहमति अस्पताल में पड़ा हुआ था उसको तो ये लग रहा था कि वो जाएगा मेरा ख्याल है डर नहीं रहा था वॉज जस्ट मोर वेरी अब ये वो सब्सरवियंट मुन्ना नहीं रहा मेरे ख्याल में डर रहा होता तो फिर मरवाता ना उसको अब फिर क्यों डर है?

नहीं उनके थीम्स रिग्रेसिव हो सकते हैं सब कुछ अब जिस मोड पे ड्रामा है ना जितना लग रहा है डायरेक्शन uh, uh, आप कह रही है कि उनकी राइटिंग पे इतना भरोसा आपको है कि वो वोटेड नहीं होगी इलॉजिकल नहीं, नहीं होगी मतलब ऐसी चीजें उसमें होंगी दबा के जिससे मुझे इतराज होगा फॉर एग्जाम्पल जो जनाब का कैरेक्टर है वो लिखा गया है ऐसा वो डायरेक्शन में नहीं बदला जा सकता वो लिखा गया है ऐसा कि जहाँ एक प्रोग्रेसिव स्मार्ट इंडिपेंडेंट राइचियस जर्नलिस्ट है वो डोमेस्टिक गॉडेंस बन गई है no वो कैरेक्टर लिखा गया है और वो मैं समझती हूँ कि जो के आर क्यू का स्टाइल ऑफ राइटिंग हैेमती का कैरेक्टर है ना अप डेमती का कैरेक्टर आई थिंक हैज बीन फ्ड बिटवीन द राइटिंग मुन्ना नॉट सो मच नो मुन्ना नॉट सो मच मुन्ने का कैरेक्टर मोरा लेस स्टेबल ही है मुन्ने को शुरू से प्यार हुआ प्यार उसका कंसिस्टेंट है शुरू से ही वो भाइयों का भाई था दोस्तों का दोस्त था वो बरकरार है शुरू से वो अच्छा बंदा था एंड वी न्यू देट फ्राम डे वन कोई एक ट्रिगर ऐसा होगा दैट ही विल स्विच एंड एंड टिप ओवर फ्राम नॉट बींग अतल टू बींग अ कातल ये नज़र आ रहा था कि यह होगा मुन्ना का मॉर लेस कंसिस्टेंट है और मुन्ना का कतल के बाद सारा रिएक्शन भी अच्छा है

ज़नाब की ट्रजेक्टरी भी जो है ना वो केआरक्यू से इन सिंक है लेकिन जो बाकी ड्रामे की जस्ट है ना वो इट्स टू ऑल ओवर द खैर मैं वैसे डिसएग्री करता हूं केआरकेक्यू के ड्रामों में ना लड़कियाँ इतनी वो नहीं होती आप देख लें जो हमने ड्रामे देखे हैं उसमें इतनी मतलब बहुत ही छुई-मूई छुई-मूई तो चुई नहीं है तो बिल्कुल नहीं बहुत ही है बहुत ही मतलब

पावर से मतलब एक, मुझे लगता है जनाब एक मुझे हाँ। you know, right बात मुझे आई याद जनाब आप देख रही है कि मुन्ना जो है वो तो दिलबर से बातें भी कर रहा है और मौजम से भी बातें कर रहा है या yeah. तो दो सवाल ये पैदा होते हैं एक ये क्या मुन्ना का जहनी तो बिगड़ गया

नजर आ रहा है कैसा मुझे है? तो एक्चुअली ये वर्ल्ड ही नहीं समझ में आ रहा यही बात है ना वर्ल्ड नहीं ये जो वर्ल्ड है ना होता ही है कि आप एक पैरेलल यूनिवर्स अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स में ले गए ना आप कनेक्ट कर गए ऑडियंस इट्स अ फिक्शनल वर्ल्ड हाँ तो ये भी एक फिक्शनल वर्ल्ड है लेकिन फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर की जो रियलिटी है उसके साथ आप नहीं कनेक्ट कर वो क्या बात कर रही यार मैं खुद एक

इसका इसका जिम्मेदार कौन है ये देखना पड़ेगा किसी दिन अगर के आर क्यू से बात हुई उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया उन्होंने क्रिएट की उनके हिसाब से कितना वो अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट की कि हसम से पूछने की कोशिश करेंगे कि जो दुनिया लिखी गई थी क्या वो उन्होंने उसमें कोई तब्दीली की प्रेजेंट करते हुए कैसे किया इस सवालों के जवाब तो राइटर और डायरेक्टर ही दे सकते हैं ठीक है Moving on to, um, मैं तमाशा के यार अपने व्यूअर्स प्यारों को अपने को एड्रेस करना चाहूंगा करें 44th 45th episode. मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा आई हेर यू आप लोग कह रहे हैं कि जी तमाशा का रिव्यू ये वो मैं और आमना तमाशा आ, का उस तरह से रिव्यू नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि बाय द टाइम हम रिव्यू करने के लिए बैठते हैं दो किस्तें हो चुकी होती हैं कभी कभी तीन किस्तें हो चुकी होती हैं नहीं याद रहती बातें उस तरह से बट मैं आप लोगों को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे बॉय शाहरुख को जी बिल्कुल शाहरुख को और हुसैन को जी वो बहुत अच्छा रिव्यू कर रहे हैं मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप उनका रिव्यू जरूर जाके देखे? देखे और बल्कि शाहरुख इतना चीता हो गया है कि उसने मानी का इंटरव्यू किया है मुझे बहुत अच्छा लगा गाड़ी में उसने बिकॉज uh, uh, मानी की फ्लाइट थी जी और शाहरुख uh, ने मतलब ए, एक रात पहले एक एपिसोड आई है मानी वोज इलेमिनेटेड नेक्स्ट मॉर्निंग ही इंटरव्यूड हिम

एल आई एफ शाहरु से ये पूछने की बात है तुमने नाम लाइव स्ट्रीम क्यों रखा वो <laughs> ले लेता जी बट लाइव स्ट्रीम आप चैनल आप जरूर उसको सब्सक्राइब भी करें वहां पे जाके के और शाहरुख को अप्रिशिएट भी करें शाहरुख और का काम हो रहा है और वो पकड़ रहा है सबको बिकॉज जो जो निकलता है घर से आई थिंक शाहरुख इज दस्ट वन टू इंटर शाहरुख की नीच बन गई है

लो जी बादशाह सलामत आते हैं वो कहते हैं कि ये तो बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म की ग्रुपिंग हो रही है कि ग्यारह लोग हैं एक बंदा जो है वो लेफ्ट आउट होता है तो आप सब वोट करें कि कौन वो एक बंदा है जो अगला टास्क नहीं खेलेगा तो वजीहा और अनम जो होती हैं वो खसियाने तरीके से सैमा को वोट आउट करती हैं और इट टर्नज आउट के मैक्सिमम वोट्स भी साममा के ही होते हैं एंड सैमा सिट्स द नेक्स्ट गेम आउट बट शी इज़ वेरी फेयर शी इज़ वेरी फेयर एंड वजीहा एंड अकील विन दैट गेम

वजिया और सायमा का रिलेशनशिप है क्योंकि एट सम पॉइंट पॉइंट आई वांटेड टू आउट कुछ दिन पहले एक हफ्ता पहले वजिया और सायमा आपस में बैठे हुए थे और बड़ी उनकी बातचीत और सब कुछ चल रहा था वजिया ने जिस तरह से कश्तियां जलाई है ना अपनी सबके साथ जैसे अकील वाला तो वाकया बहुत मशहूर हो गए वो मुझे उस वजह से ना वजिया से मैं थोड़ा सा पुट ऑफ हुआ नहीं हुआ। हुआ। नहीं सब लोग हुए हैं वजिया से सब लोग पुट ऑफ हैं वजिया से भी और दानिया से भी जब कोई दो लोग लड़ रहे होते हैं ना आपने दानिया के एक्सप्रेशन देखा करें दानिया ना ऐसे करके मुस्कुरा रही होती है जैसे कि अच्छा अच्छा लड़ो लड़ो दानिया के वो एक्सप्रेशन कैमरा जो है ना वो कैच कर रहा है मेरी नजर में इस वक्त घर में सबसे अनलाइकेबल पर्सन इज दानिया और मैं चाहूंगी कि हमारी एडिटर है ये क्लिप चलाएं जब ये गेम खेल रहे होते हैं एडिटर तो ना ना आ, आप ये भी क्लैरिफाई कर दें बेचारे लोग को कह रहे हैं यार के... आप आप को तक इंसर्ट्स पहुंचाना हमने कहा था वशमा जिम्मेदार है तो फिर ठीक है यार वशमा जिम्मेदार जिम्मेदार है यहाँ मैं चाहूंगी दानिया का वो एक्सप्रेशन चलाएं जो कि गेम को बताना पड़ेगा ना कि वो एक ऐसे करके ना तरीके से और पर होती है, ऐसे परेशान ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे। पराठे वाला वो जो, एक तो यार मुझे ये बड़ी बैठी बात लगती है ये जो शेल्फ के ऊपर पराठे पेड़े बनाते हैं यार क्योंकि पेड़ा रोटी के लिए वो क्या कहते हैं उसको बेलना और वो क्या होता है बोर्ड होता है बोर्ड जिसके ऊपर आपने थोड़ी सी साफ सफाई रहती है

दिस इज नॉट राइट गाइज दिस इज नॉट राइट दिस इज नॉट फेयर दिस इज नॉट राइट दिस इज नॉट राइट कौन कहता है? साइमा. टेलिंग यू खाने पे यार ये हर एपिसोड में लड़ते हैं वो हर लड़ते हैं लेकिन ये देखिए लच्छे वाला अच्छा... पराठा मीठा पराठा नमकीन पराठा लच्छे वाला पराठा और मुझे लगता है सब पराठे जो है वो अकील बनाता है बेचारा बहुत मेहनती आदमी है अकील बड़े अच्छे पराठे बनाते हैं हाँ। <laughs> अच्छा अब ये देखिए दानिया का क्या है कि दानिया मैं क्यों कह रहा हूँ लीस्ट लाइकेबल और या मोस्ट अनलाइकेबल पर्सन बन गई है उससे पहले जो नुमान के साथ उसने किया हाँ। नोमी नोमी जो कह रहे है, मैं तो सुन रही नहीं हूँ मैं नोमी की बात ही नहीं सुनूंगी मैं नोमी की बात नोमी नोमी कह रहे उस

कौन सी फिल्में आ गई आपकी अकील अकील भी थोड़ा सा ना वो अकील ने बात 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 की 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 थी हाँ। की थी।, की थी, विल्कुल, विल्कुल थी थी यार कि मैं मैं क्यों जिताऊं वो गलत फंडामेंटली अच्छा आ, और क्या हुआ जुनेद और हुमना का हुआ टास्क में वो जुनेद और हमना की आपस में है कि उसने उसको करता है

अनकंफर्टेबल याद आई मुझे ये बात आपकी जुनेद के डांस से मैं लड़कियों को सोच के देख के ये सोचती हूं क्या कि यार नॉट कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में डांस कर रही होती हैं बट सुबह लड़कियां उठे तो जरा बुरा सा लगता है कि उनके आप बेडरूम्स में घुस जाएंगे ना लड़कों का सब सही होता है आपका बहुत वो नहीं नहीं लड़कों मैं तो लड़कियों के उससे वो सोचती हूं ना कि लड़कों का भी बुरा नहीं तो लड़कियां खुद ही बाहर आती हैं हां यहां नहीं कैमरा अंदर लगा हुआ है कैमरा अंदर लगा हुआ है बट दैट्स फॉर्मेट ऑफ शो दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो मेरे ख्याल में उधर ही सिंक होना चाहिए पहले ब्रश कर लें ब्रश कर लें कुछ कपड़े कपड़ शेफ ठीक कर लें नहीं दैट्स द फॉर दैट्स द फॉर मैं तो श्योर अच्छा तो... आपने नोट्स बनाए हुए हैं और क्या आपने नहीं नो? मैंने खास नोट्स ही बनाए हुए मुझे सिर्फ ये कि हर उसमें लड़ाई खाने पे होती है uh, 45th एपिसोड में जेडआरवाई के 24 ईयर सेलिब्रेट किए दैट वाज द एपिसोड व्हाट वाज द एपिसोड वाज डेडिकेटेड टू डेडिकेटेड टू द नेम आपने नोटिस किया यह 40 मिनट की एपिसोड थी अच्छा आपने नहीं नोटिस किया तमाशा की हम जब चले थे तो हम डेढ़ घंटे तक गए हैं है, गे गें तो है, है। एक, है एक एक घंटा घंटा मिनट 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 mm. मिनट मिनट पे फिर अब हमने टाइम देखा है कि में हम चल रहे ऑल ऑफ अ सडन उस बीच में एक ऐसी एप, एपिसोड आई है जो चालीस मिनट की आई है uh, yeah. मुझे

आखर में ठीक था, वो अच्छा decision लिया सलामत ने कि दोबारा करें और ये करें। भी अच्छा था कि तीनों के स्टेशंस पे एक ही बंदा होना चाहिए बिकॉज टू पीपल बादशाह सलामत अच्छे कभी कभी इससे ये साबित इस होता है कि बादशाह सलामत विजिलेंटली देख रहे हैं सब तो मैंने वो हमारी आवाज आती है आप लकड़ी के हाथ नहीं लगा सकते हाँ, हाँ, नहीं बैठे मॉनिटर कर रहे होते हैं भाई या, सामने। या, या, तो या, हम तो नहीं टी नहीं दे सकते आप अच्छा था बहरहाल वजीर के बगैर घर आई थिंक ठीक ठाक जा रहा है ठीक चल रहा है थोड़ी से वो कम्प्लेन करते हैं जिसने ड्यूटी अपनी मर्जी की करनी होती है वो कहता है कि मैं हेल्प करा दूं और फिर बाद में कहता है कि मैंने ड्यूटी कर, कर ली है तो ये दो नंबर यहां हो रही हैं केक पे फिलर आई हुई 11 पीस था मैंने कहा कि 11 पीस करो इसके उन्होंने कहा क्यों भाई जितना खाना है वो खा नहीं 11 पीस करो इसके अब तो अनफेयर इस तरह की सिचुएशन में हो जाता है ना कुछ ज्यादा केक ले ले तो कुछ कर ले तो ये चल रहा है। Anyway, इस वक्त मुझे कोई फैशन स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रही तो मैं एक दादा interesting मैं ये चाहूंगा, एक ये कहना देखें कि हैं इसका मतलब है वो दिन काफी स्लो गया होगा हाँ, exactly. कुछ खास नहीं हुआ मुझे होगा। लगा तो थकी भी थोड़ी तो थकी। अब ये आता आहिस्ता बजाय ऊपर क्योंकि यूजुअली मेरा मेरे एक्सपीरियंस में बिग बॉस में भी जब मैं देखता रहा हूं और पिछले साल भी तमाशा में टुवर्ड्स द एंड चीजें एस्केलेट करती हैं इस... ये कहा बादशाह सलामत ने कि टास्क मुश्किल होते जाएंगे वो तो कब से कह रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि करंट सीजन में चीजें डी एस्केलेट डी डी क्या होता है एस्केलेट होता, होता है डी एस्केलेट होता है डिग्रीज कर कम हो रही कम... <laughs> हो रही कम हो रही चीजें कम हो रही हैं थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा है कि सब बड़े उस जोन में चले गए हैं

उसने कहा कि नहीं साइमा ने बिल्कुल जो पहला वो रखा है बिल्कुल सही तरीके के साथ रखा है और बहुत अच्छे तरीके के साथ रखा है तो आई थिंक हम सब एज एज व्यूवर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो भी है वो ऑनेस रहे फेकनेस ना उसमें नजर आये

पतपों का बन की एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड थी ये 19th एपिसोड आई थॉट इट वाज रियली इंटरेस्टिंग इट वाज एक्सट्रीमली एंगेजिंग एंड इट वाज अ स्ट्रांग एपिसोड यस नो मुझे वो जो आई है ना उसकी मीडिया वाली दोस्त वो थोड़ी सी इंटरेक्शन ऑड सी लगी ऑड इन द सेंस के पहले तो जब वो बैठे हुए थे तो दो बार उसने उसको टच किया जो कि मुझे लगा के है। किस किस टच किया? वो जो लड़की आई है ओके। okay. पहले वो हाथ मार के उसका नाम नहीं हमें तुम बताओ ना फिर वो यूं करती है।, मैं चाहूंगा में लोग करते है मैंने कितनी बार आपको यूं करके या यूं करके नहीं बात ये है कि आपकी दोस्त आई है वो एक अनुनासिब लगाया है मुझे लगा कि इसकी जरूरत मुझे लगा कि इसकी

फिर वो फोन गिरा और वहां से फिर मीनू आ जाती है और मीनू देख लेती है इसलिए इसलिए जरूरी जरूरी था कि हाँ, जरूरी था कि कि मीनू देखे उसको एक तो मेरे कि इतनी बिग डील नहीं थी शायद ना भी भी डालते तब कि मुझे वो पूरी नहीं मैं रहा कि ओ, उसने हाथ लगा दिया मैं कह रहा हूँ पूरी चीज मुझे नहीं लगी अन बिल्कुल और ये लड़की आई है वो इतनी है इंडिपेंडेंट कि वो अकेली एक कैसर क्लां जैसी डिस्ट्रिक्ट में आई है जहाँ वो पहले नहीं आई अकेली आई है और वो इसका ये दोस्त है उसके साथ उसकी बहुत मतलब बहुत अच्छी कैजुअल रिलेशनशिप है यहाँ तक कि वो उस दरख्त पर ले गया अब जब उसने बोला कि सिग्नल आता है तो ऑबियसली आपको पता था कि मीनू यहाँ पे इनको मिलेगी एंड इट्स देयर स्पॉट यू नो दिस इज़ द स्पॉट दैट मीनू शोड हिम एंड दिस इज़ देयर स्पॉट तो उसमें जेलस भी होना था एंड यू हैड टू रिलेट

साइड पे कराता है उसका हाथ पकड़ के बड़ी खूबसूरती से उसको बिठाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट वो सीन था जब वो कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है तुम्हें ये बताना है कि अब के साथ तुम्हारे बारे में क्या बात हुई तुम्हें ये बताना है कि मैं कैसा तुम्हारे बारे में फील करता हूँ ये वो कल मिलते हैं अब जब ये चल रहा है इसके बाद वन वुड एक्सपेक्ट के यार कि अच्छा मीनू और नोफिल के बीच में ऑलरेडी इतनी इस वक्त फ्रिक्शन और इतना सब कुछ हो रहा है उसके बीच में एट दिस मोमेंट एक आप बाहर से एक कैरेक्टर को सिर्फ एक एपिसोड के लिए लाके वापिस भेजने मुझे वो अननेसेसरी लगी चीज़ कि इसकी कोई इस वक्त ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच में इतना कुछ हो रहा है और ऑलरेडी उसमें इतनी एक एक ऑडियंस हुक्ड है मैं हुक्ड एटलीस्ट कि यार कि क्या होगा क्या कहेगी वो बात उसको बताएगा सच बताएगा अपने प्यार का इजहार करेगा नहीं करेगा दूसरी तरफ वहां पे उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड उसके घर पहुंच गई है बाप अगर वो बता देगा उसको

मीनू नो एनी थिंग अबाउट नोफिल अदर दैन शी हेज्स फॉर हेम एंड शी इज़ इन लवद दिस बॉय शी हेज़ नॉट मेट हिज पेरेंट्स शी हेज़ नॉट सीन हिज होम शी हेज नॉट सीन हेम आउटाइड ऑफ द वन कैरेक्टर की ये डॉक्टर नोफिल है और यहाँ काम करने आया है मेरे मैंने इसको ऐसे देखा कि हियर शी इज सींग डिफरेंट एंगल ऑफ नोफिल कि ये ऐसा भी है इसकी लड़कियाँ भी दोस्त हैं जिस दुनिया से ये आ रहा है उस दुनिया में दिस इज नॉर्मल

बहुत ही गाँव की गोरी टाइप है कि उसको पता नहीं है एक्चुअली के बाहर क्या होता है

so i the way i saw it was that here nofil is stuck in this village for god knows how long he's not been home, and he's getting connecting with a part of his other life his his old life in the in the şehر मुझे ठीक लगा बिल्कुल बिल्कुल i really enjoyed the episode जहाँ से शुरू हुई कहाँ से शुरू होती है फंडे से कि वो बाजी का जो नहीं नहीं पहले तो शुरू होती है ना शहर से

और फिर आपकी कॉन्वर्जेसन आप देखते हैं डॉक्टर नोफिल की अफजल खान के साथ और वो उसको अपोलोजाइज करता है वो बहुत खूबसूरत सीन था और उसमें आप देखते हैं कि एक जो डायनामिक है दोनों की कि वो बॉस है वो उसका जूनियर है फिर भी उम्र के लिए विजडम के लिए ही गिव्स अ लॉट ऑफ़ रिस्पेक्ट टू अफज़ल खान और अफजल खान कहता है मेरी बातों का सीरियसली मत लेना कर जाए भाड़ में आप पीछे रखो बिकॉज इस गांव में इज़्ज़त नहीं लड़की की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड देन ऑफ़ कोर्स ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द फैक्ट के चौधरी ने उसको

और वो बड़ा अच्छा सीन होता है जब मीनू साइकिल पे आ रही होती है और सीन्स भी तो आप इंडिविजुअली इन्जॉय करें ना लाइक like, जर पत्तों का बन एक ऐसा ड्रामा है कि आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने निकले तो शायद आपको ना मिले मगर वो सीनेरियोज़ इतने ख़ूबसूरत हैं और आप ह्यूमन यू नो पर्सनैलिटीज़ इतनी ख़ूबसूरती से देख रहे हैं मीनू आ रही है आ रही है आ रही है मोटरबाइक आती है साइकिल गिर जाती है जिस तरीके से वो साइकिल झटक के भागती है इट वॉज़ जस्ट सो यूनिक टू अ मीनू So no? कोल्हा है घर बहुत अच्छा सीन था बहुत अच्छा सीन था और फिर आप यू you नो know, वो पूरा नोफिल का हसना माँ की बात ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो आप जरद पतों की दुनिया में इंजॉय करते हैं आपने कहा कि जरद पतों की दुनिया में शायद आपको थोड़ी सी लॉजिकल मुझे ए, कुछ लॉजिकल नहीं लगता मुझे लगता है उस तरह से अभी तक नहीं लगा मुझे नहीं। लगा है कि अभी तक बहुत हर किरदार किरदार को को हर के को जिस तरह से वो लेके चले जैसे छोटी सी चीज थी साइकिल की थी हाँ? उससे पहले भाई की बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी दूसरे गुलाम के साथ के के बहनों के वो बगैरत वो होता है जो बहनों के इस तरह की बातों को खुले है और अगर उसको पसंद आ भी गया तो क्या

ये दिस आवर स्पॉट तुमने अभी अभी अपना लव डिक्लेयर किया है मुझे भाई तुम अब एक लड़की के साथ ऊपर देखे ना आप एक गांव की लड़की के परस्पेक्टिव से देखें कि एक लड़का जो है वो दरख्त पे चढ़ के किसी लड़की के साथ मटर कर रहा होगा ना क्या कर रहा होगा देखे मैं आपको बताता हूँ देख हम जो बात उस दिन कर रहे थे ना बिस्मिल को लेके स पसंद आती है हमको मुझे ये लगा इन ना सोचे नोफिल और इसका कोई चक्कर है हाँ हा, मैं हा, समझ में आ गया उसके बाद दर पे चढ़ाया अब वो दर पे इसलिए चढ़ाया कि यार के मीनू उसको देख लेगी तो जिस तरह से मैं जरद पत्तों का बन को देखते आ रहा हूं ना मुझे ये चीज ऐसे लगी कि यार के हम तो सटल को जर पत्तों के बंद एन्जॉय करते हैं जिस तरह हैं, से चीजें इन द पासिंग कह दी जाती हैं बगैर कहे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं मैं तो उसको एन्जॉय कर रहा हूँ तो ये इस तरह का इन योर फेस सा एक बीच में रैंडम से, अगर से ये मुझे रैंडम ना भी दिखाते हैं और आपको पता चलता कि मीनू को पता चला है कि उसकी कोई दोस्त आई है शहर से हाँ और ये भी ठीक है मीनू उसको छत पे देख लेती एक वो दिखा देते यार के वो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करनी है और वो मैं ले जाता हूँ तुम्हें और इतना सा दिखा देते बट आप चले हैं वहां से और मैंने वो नोटिस किया कि लड़की ने उसको यूं किया ये ऐसे नहीं हो जाती ना चीजें ये डाली जाती है ना ऑब्वियसली डायरेक्टर बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि यार अच्छा ठीक है इसको हम ऐसे शूट करते हैं

और वो दोनों दे लुक कंप्लीटली गिल्टी बोथ ऑफ देम ऐसा नहीं था दैट दे कुड मैनेज दैट सीन और वो भी हमजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बहुत अच्छा इस तो तरह घबरा हाँ. के वो उठता है घबरा के उठता है अब कहता है कि दिन में दो दफा ही कर लेना और वो कहती डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर हेल्प और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एपिसोड उसकी टांग अब ठीक हो गई और हां टांग उसकी ठीक हो गई है स्टिक से जी ऑल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एपिसोड जो लड़की जो आई है गाँव से उसको मलिक नादर जो है वो अपने उसके बुला के कहता है कि तुम किसने बुलाया है और फिर पूरा गाँव आ जाता है कि हमने तो रोटी का इंतजाम किया हुआ है तो वही कहती कि तुम्हें मैंने प्रोटेक्ट किया था तुम्हारा नाम नहीं लिया तुम खुद ही आ गए ही नोज देट यू कॉल मी सो वो है सारा सिलसिला और ये पता चल जाता है कि एफआईआर पुलिस वाले ने नहीं काटी वो तो हमें पहले पता था पुलिस हमें पता हाँ, था, था अब उसको भी पता चल गया है नोफिल को भी पता चल गया नोफिल को भी पता चल गया सो नो इट वाज इट वाज अ गुड एपिसोड विद अ वेरी गुड वेरिएशन ऑफ गुड सीन्स दोनों भाइयों के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन फिर ऑफकोर्स मीनू और नोफिल का सीन बहुत इंपॉर्टेंट Uh, अफज़ल खान का और नोफिल का सीन बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ से मंगेतर का आ जाना बहुत इम्पॉर्टेंट और मेरा ख्याल है इस दोस्त का आना ऑफ कोर्स एक तो यही है कि लीगली अब सब चीज़ें ज़रा सी लोगों को पता चल रही हैं कि हो क्या रहा है और दूसरा ये भी है कि एक लड़की आई है अब जब मंगेतर आएगी बिकॉज उसने पता वता ले लिया है कि कैसे इकलामें किधर है मैं खुद जाती हूँ उसके पास वो जब पहुँचेगी और दो बाप ने कहा है कि तुम तो मत जाओ मुझे बात करने दो वो पहुँचेगी और फिर मीनू कहेगी कि ये पहले एक लड़की आई दूसरी लड़की आई है हो क्या रहा है

पता नहीं अब आपको मिल जाएगी अगर आ रही हुई तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया बेल बेलाइकन हिट किया तो फिर आपको पता लग जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे विद हॉट रिव्यूज़ के बाद हॉट बाइस तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज़